हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, हम करते हैं 4th। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। 4th में क्या निकालना है, 3a + 4b, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी गिवन है हमें, दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो भी हम एडिशन कर पाएंगे। तो क्या निकालना है, 3a + 4b, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका पहले 3 से मल्टीप्लाई करनी है और जो बी है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं 3a। 3a में क्या निकालेंगे, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन में यही पढ़ा था, अगर के किसी को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना किसी मैट्रिक्स से तो उसके हर एलिमेंट को करना था। तो यहाँ पे भी ये है 3a, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0, 3 − 1 = 1, 3 × −1 = 1, और 3 × −1 = 1, 3 × 5 = 15। फिर क्या निकालना, 4b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना 4 से, तो उसके हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 × 1 = 4, 4 − 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 − 1 से करेंगे −4, 4 × 0 = 0, 4 × 2 से करेंगे 8। तो अब हमें क्या निकालना, 4a + 3a + 4b। एडिशन कैसे था, जैसे कल किया था कि हर एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 4 = 10, 9 − 8 = 1, ठीक है, 0 + 12 = 12, −3 और −4 − 7, −3 + 0 − 3 = 15 और 8 = 20, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, 2 × 3 की, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 था, तो जो ऐड करने के बाद आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन 4th। अब हम करते हैं 5th। 5th में क्या दिया हुआ, a + b और फिर ब्रैकेट + c इज इक्वल टू a + b + c के ऊपर ब्रैकेट, यानी कि पहले a + b का एडिशन करो और उसके अंदर c ऐड करो, या फिर b + c का ऐड करो और फिर उसके अंदर a ऐड करो, तो तीनों जो ये मैट्रिक्स आएगी और ये मैट्रिक्स आएगी दोनों इक्वल होगी, ठीक है। और हमने जब बेसिक किया था तो ये प्रॉपर्टी की थी, अगर कोई भी दो पहले दो किसी मैट्रिक्स को ऐड करो, या फिर उसमें थर्ड ऐड करो, या फिर पहले लास्ट वाली को ऐड करो और फिर उसमें फर्स्ट वाली ऐड करो, तो दोनों इक्वल होगी। और ये प्रॉपर्टी क्या थी, मैट्रिक्स इज एसोसिएटिविटी, ठीक है, यानी कि तीन मैट्रिक्स है तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी मैट्रिक्स होगी एडिशन के अंदर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, और हमें मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें वेरीफाई करना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। फर्स्ट क्या निकालना है, a + b, तो हम फर्स्ट निकालते हैं a + b। देखो पहले देखो a + b का एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, एडिशन का पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा, तो ये भी 3 × 3 के, ये भी 3 × 3 की है, और सी मैट्रिक्स भी 3 × 3 के, यानी कि तीनों मैट्रिक्स का एडिशन हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या निकालते हैं, a + b, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले a + b हमें चाहिए, तो फर्स्ट a + b निकाल लेंगे। a + b के लिए क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, ठीक है। तो a + b के लिए निकालते हैं 2 + 9 = 11, क्योंकि फर्स्ट से ऐड होगा, और 1 = 7 से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 1 + 7 = 8, 1 और −1 = 0, 3 और 3 = 6, क्योंकि सेकंड से ऐड होगा और −1 यानी कि −1, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो 2 और 9, फिर होगा 1 और 7, ठीक है, फिर 1 और −1, ठीक है, फिर 3 के साथ ऐड होगा, 3 −1 + 5 और 0 + 4, और ये ऐड होगा इसमें 0 + 2 और 2 + 1 और 4 + 6, तो हमारे पास a + b मैट्रिक्स के अब नहीं 2 + 9 = 11, 1 + 7 = 8, 1 − 1 = 0, 3 + 3 = 6 और 4 = 4, ठीक है, 2 × 3 = 10, ठीक। अभी हमारे पास ये क्या निकली, a + b, और हमें क्या चाहिए a + b में c का एडिशन, तो अब हम इस मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं c को, a + b + c, यानी कि a + b जो हमारे पास आया ये a + b, इसमें ऐड करेंगे ये वाली मैट्रिक्स, इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये भी 3 × 3 ऑर्डर की, और ये भी 3 × 3 ऑर्डर की है, तो ऐड करते 11 और 2 = 13, ठीक है,
एट और माइनस के फोर प्लस के फोर जीरो प्लस थ्री थ्री सिक्स और वन सेवन फोर और माइनस के वन थ्री और फोर प्लस जीरो फोर ठीक है। थ्री टू में नाइन ऐड करेंगे इलेवन थ्री और फोर सेवन और टेन फिफ्टीन। तो हमारे पास ये क्या गया ए प्लस बी और प्लस में सी ठीक है। और हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए ए पहले बी प्लस सी का एडिशन करेंगे और उसके अंदर ये ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आनी चाहिए ठीक है। ये मैट्रिक्स चाहिए हमें तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको थर्टीन फोर थ्री सेवन थ्री फोर इलेवन सेवन फिफ्टीन। अब हमें क्या निकालना है ए बी प्लस सी। तो फर्स्ट हम निकालते हैं बी प्लस सी। बी प्लस सी में क्या होगा, बी सी में ऐड हो जाएगा नाइन और टू इलेवन सेवन और माइनस के फोर थ्री माइनस के वन प्लस के थ्री टू थ्री और वन फोर फाइव और माइनस के फोर माइनस के प्लस के फोर क्योंकि फाइव प्लस का है और माइनस वन नेगेटिव फोर प्लस जीरो फोर टू प्लस नाइन इलेवन वन और फोर फाइव सिक्स और फाइव इलेवन ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना था ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो बी प्लस सी मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर हमें ए मैट्रिक्स का ऐड कर देंगे। ए मैट्रिक्स क्या ये वाली, तो बी प्लस सी में इसको ऐड कर देते हैं टू और इलेवन थर्टीन वन और थ्री फोर वन और टू थ्री ठीक है। थ्री और फोर सेवन माइनस वन प्लस के फोर थ्री जीरो प्लस फोर फोर ठीक है। अब जीरो प्लस इलेवन इलेवन टू प्लस फाइव सेवन और फोर और इलेवन फिफ्टीन ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स की किसके इक्वल आंसर आनी चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन किसके इक्वल था, ए या प्लस बी का पहले एडिशन करे और ये सी का एडिशन करे तो दोनों इक्वल होनी चाहिए थी। यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी है, ये मैट्रिक्स थी ए प्लस बी प्लस सी तो दोनों इक्वल है ना। देखो थर्ड इक्वल कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे और जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। तो यहाँ से देखो थर्टीन थर्टीन फोर थ्री सेवन थ्री फोर ठीक है, सारे एलिमेंट इक्वल है तो यहाँ से क्या कहेंगे दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव ठीक है। ये तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अब हम करते हैं सिक्स क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या, इफ ए इज इक्वल टू डाइग टू फाइव माइनस के फाइव नाइन। डाइग मतलब जैसे कि हमने बेसिक में किया था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये भी एक तरीका था। डाइग ऑफ डैग ऑफ जो उसके डायगोनल पे एलिमेंट आए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो ठीक है। और डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं थी कि कोई भी एलिमेंट आ सकता था ठीक है, और इसको नोटेशन देते थे डाइग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डाइग का मतलब डायगोनल, उसके डायगोनल पे ये एलिमेंट है बाकी सब जगह जीरो है। तो ए इज इक्वल टू क्या है ये टू माइनस के फाइव और नाइन, यानी कि बाकी सब जगह जीरो ठीक है। और बी देखो बी क्या है, बी भी ऐसे ही है डायगोनल मैट्रिक्स, जितने इसके अंदर है थ्री ऑर्डर की होगी, तीन है तो तीन क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की होगी क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी ठीक है। यहाँ पे माइनस थ्री सेवन और फोर्टीन जीरो 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 ये जीरो। और सी गिवन है, सी में क्या है फोर माइनस के सिक्स और थ्री ये जीरो जीरो यहाँ पे जीरो ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ए प्लस टू बी, यानी कि क्या निकालना है ए प्लस टू बी। ए प्लस टू बी के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो बी बी है उसका ट्वाइस करना है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं टू बी, टू बी में क्या आएगा यानी कि उसके हर एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू थ्री माइनस के सिक्स जीरो 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 टू फोर्टीन जीरो 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 ट्वेंटी एट। ये देखो अगर इसको डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल से, तो सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट पे डिफरेंस आता है बाकी सब जगह जीरो है, यानी कि टू बी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायग ऑफ माइनस के सिक्स फोर्टीन और ट्वेंटी एट ठीक है। या फिर ये कंप्लीट लिख दो, फिर क्या करना है ए प्लस टू बी जो ए आई है ना उसको मैट्रिक्स में ऐड करना है ए प्लस टू बी में। तो क्या होगा टू और माइनस के सिक्स फोर और यहाँ पे जीरो जीरो है, या फिर जीरो माइनस के फाइव प्लस के फोर्टीन ठीक है, कितना आएगा नाइन और जीरो फिर जीरो जीरो नाइन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी सॉरी इसमें ऐड करना ना ये माइनस के फाइव इसमें ऐड हुआ नाइन और नाइन इसमें ऐड हो गए ठीक है।
कितना 836 आएगा, ठीक है। तो ए प्लस टू बी कितना हुआ, या तो ए प्लस टू बी को ऐसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये, या फिर जैसे हमने ए को डायगनल मैट्रिक्स था, डाई किसकी फॉर्म में निकला, डायगनल को, तो डायगनल की डाई के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू डैग ऑफ, जो डायगनल एलिमेंट पे है वो लिख लेते हैं माइनस के 4937, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो या ये लिखो, दोनों बात सेम है। या फिर ये पूरा कंप्लीट लिखने के बजाय ये भी कर सकते थे हम डायगनल, जैसे डायगनल, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो सिर्फ उसके डायगनल एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम सीधा भी कर सकते थे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इसके हर एलिमेंट को, तो क्या आएगा माइनस के 6 14 28। तो हम क्या लिख देते थे यहाँ पे, तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ए को लिखा डायगनल ऑफ 2 माइनस के 5 और 9, ठीक है, और बी टू बी निकालना था हमें, तो हम निकाल देते हैं डायगनल ऑफ 2b, यानी कि इसके हर एलिमेंट को 2 ऐसे यहीं पे कर देते हैं सीधा, माइनस के 6 14 और 28। तो फिर हमें क्या निकालना था, ए प्लस 2b, तो क्योंकि एडिशन में सिर्फ इसके डायगनल एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम इसको ऐड कर देते सीधा यहाँ से, यही आता देखो 2 और माइनस के 4 माइनस के 4 2 और माइनस के 6 माइनस के 5 प्लस 14 9 और 9 और 37, और ये भी यही है। तो ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, अगर लेंथ ही करना है तो इसको पूरे डायगनल के फॉर्म में तब भी कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट करते हैं हम, सेकंड में सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, अगर आपको लेंथ ही करना है तो लेंथ ही कर लेना, वरना ये शॉर्ट से भी कर सकते हैं सीधा डायगनल लिख के, क्योंकि हमें डायग के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 2a + b - 5c, तो फर्स्ट क्या निकालना, 2a, तो यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 10 और 18, ठीक है। यहाँ पे फिर बी हमें गिवन है, बी क्या लिख लेते हैं, डैग ऑफ -3 7 और 14, और सी क्या, -5c चाहिए, तो हम 5c निकाल लेते हैं, 5c या फिर -5c निकाल लो, क्योंकि सबको ऐड कर देंगे फिर, तो फिर डायगनल ऑफ -5, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो -20, -5 से करेंगे तो प्लस, और 30 और -15, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 2a + b - 5c, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस के 5c, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, डैग ऑफ तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से क्या आएगा देखो, 4 और -3 1 और -20, तो -19, ठीक है। 10 ये देखोगे तो -10 और 7 इसमें ऐड होगा, तो -3 और -3 और 20 27, ठीक है। यहाँ से देखो -14 -1 और -1 और 18 17, ठीक है। तो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख लो, या फिर डायगनल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट मेथड है, ये भी कर सकते हो आप। ये था हमारा 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट हम करते हैं 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं 7th का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, xyzt की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ xyzt वेरिएबल्स की। तो क्या गिवन है, 2 × दिस मैट्रिक्स, यानी कि 2 की पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करनी है, फिर 3 + 3 और दिस मैट्रिक्स, यानी कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और = दिस मैट्रिक्स। तो ये दोनों इक्वल है, ये जो भी मैट्रिक्स है इनको ऐड करके, तो हमें क्या निकालना है, xyz की वैल्यू निकालनी है, xyzt 4 वेरिएबल है, ठीक है, 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2x 2y 2z और 2t, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई है इसके अंदर, तो इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 3 0 6, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई है, 9 15 12, ठीक है, 4 × 3 6 × 3 18, ठीक है। अब ये देखो दोनों मैट्रिक्स ऐड करनी है, तो हमें ऐड कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, दोनों का एडिशन कैसे होगा, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, तो 2x + 3 2y - 3 2z + 0 और 2t + 6 = दिस
9, 15, 12 और 18। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, दो मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि इक्वल है। अगर इक्वल है तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होगी। 2x+3=9, सेकंड में क्या होगा 2y-3, ये इसके इक्वल होगा 15 के, और ये वाला इसके इक्वल होगा तो 2z=12, और ये वाला इसके इक्वल होगा 18 के, तो 2t+6=18। तो हमें क्या निकालना है, xyz की वैल्यू। चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, 2x=9-3, 6, तो यहाँ से x=3 इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं 2y=, इस साइड ये माइनस का है तो उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 15 और +3 18, तो y=9, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे जेड, जेड की क्या आएगी, z=12/2, 6, और यहाँ से हम निकालते हैं 2t+6=18 है, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव है तो उस साइड जाकर नेगेटिव हुआ, तो 2t=18-6=12, तो यहाँ से t की वैल्यू 6। तो हमारे पास चार वेरिएबल थे, चारों की वैल्यू आ चुकी है, x=3, y=9, z=6 और t=6, ठीक है। ये हमारा दो पार्ट है, इसमें सेवन्थ में फर्स्ट पार्ट हो चुका, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेवन्थ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है कि अगर ये दो मैट्रिक्स गिवन है, ये देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है, इसके अंदर 1 कॉलम है, 2×1, इसका भी 2×1, इसका भी 2×1, यानी कि इन सबका एडिशन पॉसिबल है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये x²-3xy दिस, तो पहले 3 की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x²y²-3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, 3 की 2 से करेंगे तो 6y, ठीक है, और इस साइड वाला एज इट इज -2×9, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो क्या आएगा, x²-3x, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे y²-6y=-2×9, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके आमने सामने के जो एलिमेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, x²-3x=-2, ठीक है, यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा, तो y²-6y=9, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x²-3x, अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -2×2, ठीक है। अब इसके बना लेते हैं फैक्टर, यानी कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो +2 आए और -3 आए, जो ऐड करें तो -x और -2x+2=0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन तो x-1, और यहाँ से -2 कॉमन तो क्या बचा x, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो -1=0। इन दोनों में से x-1 बाहर, क्योंकि दोनों में है x-1, तो यहाँ पे x और यहाँ पे -2=0। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x-1=0, तो x की वैल्यू 1, और जब x-2=0 है तो x=2, तो हमारे पास दो वैल्यू आई, x=1 और x=2, ठीक है। x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, जो इस सेकंड इक्वेशन आई थी, एक इक्वेशन से तो ये वैल्यू निकली। यहाँ पे अभी तक एक वैल्यू आ रही थी हमारी, अभी दो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, अगर क्यूब होता तो 3 वैल्यू आती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम सेकंड को इक्वेशन को सोल्व करते हैं, फर्स्ट से ही आ गया x=1 और x=2, तो अब हम इससे निकालते हैं, तो y²-6y-9=0, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, जिनकी प्रोडक्ट तो -9 हो और एडिशन करें तो 6 आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर -3 ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि -3 और 3 करे और फिर 9 आ जाए और उसमें से 6 माइनस कर दे, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट से कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक है क्या, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर पॉसिबल नहीं है इसके, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पे अगर दोनों तरफ नेगेटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम 3 3 ले लेते हैं, -3 -3, तो अब हम इससे करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो मेथड करते हैं ना, y=, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b²-4ac से उससे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी,
माइनस बी प्लस माइनस रूट, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसके जब हमें रूट फाइंड आउट करने तो ये कहते हैं ना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। बी क्या होता है एक्स का कोफिशेंट और सी क्या होता है जो कॉन्स्टेंट, और बी एक्स होता है एक्स स्क्वेयर का कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे वाई में है तो हम वाई के कोफिशेंट लेंगे तो वाई इज इक्वल टू, तो वाई किसके इक्वल आएगा माइनस के बी यानी कि माइनस और माइनस के, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस सिक्स है जब पॉजिटिव वाले से कंपेयर करते हैं। फिर आता है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस फोर ए, ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू माइनस के नाइन और डिवाइडेड बाई टू ए। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट वन है, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं क्या वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ अंदर क्या बचा थर्टी सिक्स और माइनस माइनस प्लस नाइन के फोर नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू, तो बचा सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ पे छोड़ देना, अगर चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स प्लस माइनस रूट का वैल्यू लिख सकते हैं इसको नाइन इंटू एट या फिर थर्टी सिक्स इंटू टू, ठीक है। पीछे इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू। यहाँ से देखो सिक्स प्लस माइनस थर्टी सिक्स तो रूट स्क्वायर है पूरे सिक्स का, तो सिक्स तो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा रूट टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। इसमें से सिक्स बाहर आ जाएगा तो क्या बचा टू से कैंसिल करना है तो टू बाहर निकाल लेते हैं, बाकी को अंदर छोड़ देते हैं। थ्री प्लस माइनस थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल तो थ्री प्लस माइनस थ्री रूट टू, ठीक है। ये तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ सिक्स सेवन थ्री क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे लास्ट के जो सिक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ तक आप कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कॉमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।